अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जबरदस्त सर, आपके यहाँ ड्यूटी क्या है? मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। कितना फेयर बढ़ा है तकरीबन? तकरीबन ये कोई 20% के करीब बढ़ा है। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये G40 लोकोमोटिव है 9040। तो ये ट्रेन मुझे नहीं था पता, ये बांदे ट्रेन है। अच्छा, लेकिन पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। चार ऐसी बिजनेस के बाद एक ऐसी स्टैंडर्ड भी इन्होंने ऐड कराई हुई है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में जब आप एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद ये देखें, यहाँ पर पांच का ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए आगे कुछ मनाजिर है, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ आज कराची के रेलवे स्टेशन पर। आज 5 अक्टूबर 2022 है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं अपनी बाइक के हमरा स्टेशन पहुँच चुका हूँ। तो जी दोस्तों, ये देख सकते हैं, पार्किंग टिकट मैं ले रहा हूँ। ये बाइक का पार्किंग टिकट है। आज 5 अक्टूबर को पाकिस्तान रेलवे ने एक बड़ा कदम और आगे की तरफ कदम उठाया है, जिसमें आज 3 ट्रेनों को और चलाया जा रहा है, जिसमें एक बिजनेस एक्सप्रेस, एक कराकरम एक्सप्रेस और एक कराची एक्सप्रेस शामिल है। तो चलते हैं और मालूमात करते हैं। तो आइए रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर चलते हैं और अंदर का मुआयना करते हैं, क्या बुकिंग चल रही है या नहीं। ये देख सकते हैं, ये रिजर्वेशन हॉल है, यहाँ पर तमाम ट्रेनों की बुकिंग हो रही है। कराकरम एक्सप्रेस आज, ये ट्रेन बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस ये चलेंगी आज। और बाकी खैबर मील भी चल रही है। इसके अलावा एक रहमान बाबा एक्सप्रेस चल रही है, जो कि 2 तारीख को चला दी गई थी, रहमान बाबा और खैबर मील। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जबरदस्त सर, आपके यहाँ ड्यूटी क्या है? मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। जबरदस्त सर, मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, आज 5 अक्टूबर है, जैसे कि इन्होंने 3 ट्रेनें चलाई हैं। जी जी बिल्कुल, पाक बिजनेस हो गई, कराकरम हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, तो इनकी बुकिंग क्या आज भी मिल सकती है हमें 5 अक्टूबर को? हाँ, आज भी मिल सकती है, बिल्कुल सहूलत मौजूद, जगह हमारे पास है, पैसेंजर आ रहे हैं, हम उनको फैसिलिटी कर रहे हैं और जगह भी दे रहे हैं। चले बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हमें। अच्छा, इन्होंने किराया क्या इंक्रीज करा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, ये किराए भी बढ़ा दिया। आप देखें महंगाई बढ़ी है हर जगह, फ्यूल भी महंगा है, तो लाजमी हमने तो इतने अरसे से किराए भी नहीं बढ़ाए थे, तो लाजमी हम रेलवे हमारी लास्ट में जा रही, तो किराए तो लाजमी बढ़ाए। कितना फेयर बढ़ा है तकरीबन? तकरीबन ये कोई 20% के करीब बढ़ा है। अच्छा जी जी, मतलब जैसे कि पहले जो 2400-2500 किराया था, अब वो 3000 तक पहुंच चुका है। हाँ, इतना पहुंच गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सुपरवाइजर साहब जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया है। तो ये बैरूनी कुछ मनाजर हैं रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रौनकें बहाल हो चुकी हैं स्टेशन के बाहर। तो चलते हैं आज की ट्रेन की तरफ, जो कि मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस, जो कि 3:30 बजे कराची से चलेगी। तो ये देख सकते हैं लोग प्लेटफॉर्म टिकट भी ले रहे हैं यहाँ पर, और इसी के साथ साथ देखें सामने ट्रेन मौजूद है और यहाँ पर रेलवे अमला भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये लगी हुई 41 अप कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि आज कराची से लाहौर के दरमियान सफ़र तय करेगी अपना। 5 अक्टूबर को ये मौका इसको मिला, और टाइम भी जो रहा है इस टाइम पर तकरीबन 2:31 हो रहा है। तकरीबन ये देखें 2:31 हो रहे हैं, ट्रेन चलने में तकरीबन 1 घंटा बाकी। जी ये है इकोनॉमी क्लास, जो कि इस टाइम पर बिल्कुल खाली है। काफ़ी हीट हो रही है इस टाइम पर अंदर, ये देखें इसमें जो है टोटल 6 बर्थें होती हैं, 1, 2 जो कि इस टाइम पर ऑफ है, और ये थर्ड, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, तो इस तरीके से है। और इसमें आप बैठ सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अपोजिट देखें, ये 2 सीटें भी मौजूद हैं, ये इकोनॉमी क्लास है। ये देखें कराकरम एक्सप्रेस में एसी स्टैंडर्ड भी इन्होंने एक कोच ऐड कर दिया है,
तो इसका भी अंदर से मुआयना करते हैं चल के। बिल्कुल इकोनॉमी क्लास की तर्ज पर ही जो है ना ये बनाई गई है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में जब आप इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद ये देखें यहाँ पर 5 का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक सिस्टम है, एसी का पूरा मैनेज किया हुआ ऊपर, तो यहाँ पर टोटल 5 बढ़ते हैं, 1, 2, बाकी इस तरह वही 3 बनी हुई यहाँ पर। अच्छा देखें, इसके अंदर सिटिंग के अंदर बस थोड़ी सी चेंज ये करी गई है कि ये फ्लैट सीट दे दी गई है, ताकि आप इस पर भी लेट सकें, सो सकें और ऊपर भी लेट सकें, तो इसी स्टैंडर्ड में ये बेहतरी है और ये बेनिफिट है कस्टमर को। तो ये देखें, सफाई का तो खास ख्याल रखा गया है, तो बिल्कुल सफाई है इस टाइम पर ट्रेन में। आइए चलते हैं बाहर और इसी बिजनेस को भी कैप्चर करते हैं। तो ये देखिए बाहर के कुछ मनाजिर हैं, स्टॉल भी आज ओपन हो चुके हैं। तो ये एसी स्टैंडर्ड से हम जो है ना एसी बिजनेस में दाखिल हो रहे हैं। जो कि देखें हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आता है। तो ये देखें फैन चल रहा है, जबरदस्त कूलिंग हो रही है, मस्त माहौल है। तो इसी तरीके से देखें यहाँ पर भी जो ना वही 6 का कंपार्टमेंट है, और इसमें ये डोर लॉक हो जाता है। डोर लॉक करके आप 6% अगर जैसे कि फैमिली मेंबर्स हैं 6, तो आप इसको पूरा रूम बना सकते हैं अपना, और यहाँ पर अपना सामान रखें, यहाँ इसी से स्टेप से ऊपर भी जा सकते हैं आप। तो बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है, और इस टाइम पे मज़ा आ रहा है, यकीन माने अंदर बैठ के दिल कर रहा है कि यहीं बैठ के चिल करूँ। तो ये सूरत हाल है। ये लाइटिंग का भी ऑप्शन होता है इसमें ना, कि आप इसको टच करके ऑफ कर लें, ऑन कर लें। ये इस टाइम पे ख़राब हो चुकी है, ये चल रही है। तो आइए चले बाहर चलते हैं, और आज लोकोमोटिव का भी देखें दोस्तों, सेटिंग होती है बाहर के अंदर, केबिन वाले ही आके बाहर बैठ सकता है, अगर थोड़ा सा चिल करना चाहे, वॉक करना चाहे, तो ये डिस्टेंस है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इस टाइम पर एक CNR कोच के अंदर एक भाई से मुलाकात कर रहा हूँ, जो कि एसी बिजनेस में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? कैसे आप? खैरियत से? जबरदस्त सर, कहाँ सफर की तरफ? अच्छा अच्छा, आपका गुड नेम दोस्त? मेरा नाम शुजा है। शुजा भाई, और आपका नाम? दानियल सर। दानियल भाई, दानियल भाई ये बताएं कहाँ से सफर कर रहे हैं और कहाँ तक करेंगे? ये हम लाहौर तक करेंगे सफर, और कराची से पहली दफा सफर कर रहे हैं हम ट्रेन में। अच्छा, ठीक है, पहले कभी नहीं किया, ये पहला एक्सपीरियंस है। जबरदस्त, बाकी देखें अल्लाह बेहतर। अच्छा, तो आज 38 डेज बाद जो है ना ट्रेन चली है कराची से, तो आपको कैसे पता कि आज ही ट्रेन चलेगी और आज ही मैं टिकट करा के बैठ जाऊंगा? सर हम आए हैं दुबई से, लास्ट 2 दिन पहले हम आए हैं। 2 दिन पहले आते सर हमने, हमारा प्लान था उधर रुकने का कराची, लेकिन कराची जरा हमारे लाहौर से काफी पीछे है, सीधी बात है। अच्छा, हमें कराची मजा नहीं आया, ठीक है, जिसकी वजह से हम सब जा रहे हैं वापस लाहौर। तो उधर से हम जाएंगे सियालकोट, बेसिकली सियालकोट से दोनों भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये ट्रेन मुझे नहीं था पता ये बंद है ट्रेनें। अच्छा, लेकिन पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, सर देखे ऐसे ही बस मिल गई टिकट। जबरदस्त। अच्छा, कितने का टिकट मिली आपको लाहौर तक? ये 7000 की। 7000 की मिली एसी बिजनेस। बाकी आप दुबई से आए माशाल्लाह? जी दुबई से, हम बाकू गए हुए थे, बाकू से दुबई गए। अच्छा, से जबरदस्त। चले बहुत मिलकर खुशी हुई आपसे भाई, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने किराया भी बताया कि कितने का उनको किराया मिला, और वो दुबई से सफर कर रहे हैं, दुबई से आ रहे थे कराची आन के ठहरे, और कराची में उन्होंने आज ही टिकट बुक कराई, जैसा कि मैंने आपको रिजर्वेशन ऑफिस में दिखाया कि आज भी टिकटें बुक हो रही हैं। तो जी ये देख सकते हैं CNR कोचेज हैं एसी बिजनेस, इसी तरीके से एसी बिजनेस की टोटल लगी हुई 4 कोचेज, एक जो है एसी स्टैंडर्ड की मौजूद है, बाकी पीछे तकरीबन इकोनॉमी क्लासेस मौजूद हैं। तो चलते हैं लोकोमोटिव की तरफ, आज GU40 लोकोमोटिव लगा है इसमें। देखिए दोस्तों ये GU40 लोकोमोटिव है 9040, जो के 2 अक्टूबर को रहमान बाबा एक्सप्रेस को लेके निकला था, और आज कराकरम एक्सप्रेस को कराची से लेके जाएगा। और इसी के साथ साथ सामने नुमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये ट्रेन वाली सरकार। तो दोस्तों
दोस्तों, इस फोन ने मुझे थका दिया है जी। मैं बाइक की पॉकेट में भूल गया था और बिल्कुल लोकोमोटिव के पास से भागता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मोबाइल मिल चुका है और इतने पसीने छूट चुके हैं मेरे। अभी पानी की बोतल ली है कराची गेट स्टेशन से, तो पी के थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और आपको फिर ये जो है ना वीडियो में दिखाता हूँ आज का रहा मैं एक्सपीरियंस। भागा था मैं तेज मोबाइल के पीछे और मिल गया। 9040 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 41 अब कराकरम एक्सप्रेस को लेके। इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जो के प्लेटफॉर्म होने जा रही है ये मेल लाइन से। इसको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है। इकॉनमी क्लास के बाद जो है अब एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस शुरू हो चुका है। आरजी लोकोमोटिव है 5211 जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लेकर आ रहा था पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को, जो कि आज कराची से लाहौर के दरमियान चलेगी। तो जी देख सकते हैं HGMU 38209 आज पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को कराची कैंट स्टेशन से लेके जाएगा, जो कि अभी आगे जाके मेन लाइन से कनेक्ट होके दोबारा रिवर्स आएगा और ट्रेन के साथ अटैच होगा, कपल होगा। तो दोस्तों ये आ गया कपल होने के लिए पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के साथ 8209। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर 6 मिनट बाकी रह गए और आज की ये पहली ट्रेन होगी 5 अक्टूबर की, जो कि कराकरम एक्सप्रेस चलेगी 38 डेज बाद। नाइन जीरो फोर जीरो जो के 2 अक्टूबर को पहली ट्रेन कराची से लेके निकला था रहमान बाबा एक्सप्रेस, और आज 5 अक्टूबर को पहली ट्रेन जो चल रही है कराकरम एक्सप्रेस, फिर बिजनेस है और फिर कराची है, लेकिन उसमें से सबसे पहली ट्रेन जो आ रही है कराकरम एक्सप्रेस आ रही है, तो आज उसको भी यही लोकोमोटिव लेके जा रहा है। इधर सेकंड नंबर पर ये पार्क बिजनेस मौजूद है, इधर कराकरम एक्सप्रेस मौजूद है। चले जी स्टेशन से सिसकना शुरू होगा ये ट्रेन। ये देखें पहली जो है पावर वैन आ रही है, इसी के पीछे एसी बिजनेस जो कि बिजनेस क्लास मौजूद है। तो बिजनेस क्लास की पहली कोच आ गई 140 वाली और सेकंड कोचेस आ गई 140, ये भी 140 है। इसी तरीके से टोटल 4 इसमें एसी बिजनेस मौजूद हैं, ये चारों आपके सामने हैं, ये चारों CNR कोचेस हैं। ये 160 KPH वाली आ गई।
इसी के बिल्कुल पीछे चार एसी बिजनेस के बाद एक एसी स्टैंडर्ड भी इन्होंने ऐड करी है, जो कि देखें एक्स्ट्रा कोच है। और फिर ये इकोनॉमी क्लास ऐड होना शुरू हो चुकी है। 13 नंबर कोच आ गई, जो कि जर्मन कोच है, पुरानी कोच है, ग्रिल वाली। इमरजेंसी जो है गाड़ी को रोका गया है, इसकी वजह से विसिल की आप आवाज़ सुन सकते हैं और गाड़ी की ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। तो जी ये खड़ी हो चुकी है 41 अप करकरम एक्सप्रेस, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हुए हैं। जी दोस्तों देख सकते हैं ट्रेन चल चुकी है अगेन एक दफ़ा, सेकंड डिपार्ट हुआ है इसका यहाँ से। जो है इकॉनमी क्लास की है इसमें, अब पीछे बैक पे NR कोचेज़ हैं, कुछ CFI कोचेज़ हैं, कुछ जर्मन कोचेज़ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आखिर में गार्ड वैन मौजूद है, इसी के साथ साथ ट्रेन का भी इख्तिताम हुआ जाता है। तो ये दोस्त सफ़र कर रहे हैं। तो जी यहाँ पर इख्तिताम हुआ 41 अप करकरम एक्सप्रेस का, और कराची कैंट स्टेशन से आज 5 अक्टूबर को जा रही है। तो फाइनली दोस्तों आज के मेरे इस व्लॉग का इख्तिताम हुआ जाता है कराची कैंट स्टेशन से। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।